हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारा भाई आ चुका है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज, कैसे हो आप लोग? समझ रहे हो गाइज, गाइज आप लोग हमारा थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि भाई साहब कैसे क्लच कर लेते हैं हम। समझ रहे हो, ऐसे खतरनाक क्लच कर लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले एक बोट मारने के साथ। ये लो, हरा हरा धुआं निकल चुका है बोट का। अब गाइज देखो, हमारा क्लच मस्ट हीरो। देखो गाइज, हम यहाँ से गुजरा कर रहे थे ऊपर, तो हमने देखा कि भाई साहब हमारे दिव्या जी को मार। रुको रुको बेटा, लो पिलो। मतलब ये बंदा सोच रहा था कि हमारी वाइफ को नॉक करके फिनिश भी कर देगा, पर इसको नहीं पता है कि भाई साहब हमें क्रोध आ जाता है। समझ रहे हो, बहुत गंदे वाला। कई यहाँ पे हम देख रहे होते हैं तो ये मुजरा कर रहे होते हैं भाई साहब बीच राह पे। समझ रहे हो, और हम भाई साहब उसको मार चुके होते हैं गोली, तो उनके बंदे पूरा मतलब ऐसे कवर फायर देते हैं कि हमारा देख नॉक हो जाते हैं हम। ठीक है, वो हमने काट दिया है पर हम नॉक हो गए वहाँ पे। तो यहाँ पे हम उतरे होते हैं संसार के अंत में, तो देखते हैं कि भाई साहब यहाँ पे पहले से ही मारामारी हो चुकी थी और ये बहुत दादा सबको बेल रहे थे। चलो भैया, हमने एक रियल बंदे को भी मारा है। ठीक है, अभी देखना कैसे मारते हैं हम लोगों को। गाइज हम इन तो बड़े प्यार से मार रहे थे। अब ये भैया यहाँ पे दिखा रहा है रिकॉर्डिंग में कि मतलब ये नीचे है, पर ये उस टाइम ऊपर दिखा रहा था। इसको भाई साहब बाद में उठा के बाहर लेके आना पड़ा, तब जाके हम नॉक। ये मार तो पता नहीं कहाँ से उड़ के आए भैया अपने बंदों को बचाने के लिए, ऑफलाइन खड़ा था वो। समझ रहे हो गाइस, टीममेट ऐसे होने चाहिए कि भाई साहब मतलब दुनिया के दूसरे छोर में खड़े हो तब भी आके तुम्हें बचा लें। अब गाइस यहाँ पे हम देख रहे थे कि कोई हम पे मार रहा था, तो हमने भाई साहब इनकी खोपड़ी दिख गई तो उड़ा दिया इन्हें। अब हमारे हाथ में स्नाइपर आ जाती है तो हम अपने आप को भ्रम समझने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हो, ऐसी गंदी गंदी स्नाइपिंग करते हैं गाइस हम कि पूछो मत, इंसान रो दे पूरा। अब गाइज यहाँ पे हम लास्ट जोन में थे और हम प्रयास कर रहे थे भाई जोन में जाने का, पर इतने में हमें ये तीन बंदे मुजरा करते हुए दिख जाते हैं जो कि स्नाइपर चला रहे होते हैं। तो हम इनको इनका एक नॉक करके पहुँच जाते हैं जोन के अंदर। समझ रहे हो, अब गाइज यहाँ पे हम जा रहे होते हैं कि हमें दिख जाते हैं बोट दादा रस्ते में, वो मुजरा कर रहे थे तो हमने उनको पेल दिया बहुत गंदी तरह से, ऐसे कुचल दिया। समझ रहे हो, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग अगर खाना वाना खाते खाते हमारी वीडियो देख रहे हो तो वोमिटिंग कर दोगे। समझ रहे हो, अब गाइस यहाँ पे हम देख रहे थे कि भाई साहब बहुत फायरिंग हो रही थी हमारे बंदों पे, तो हम वापस आए रिकॉलिंग टावर पे। भाई देखें कौन हमारे बंदों को मार रहा है। एक बंदा हमने फेल दिया पूरा, नॉक हो गया है। अब दूसरा बंदा हम ढूंढ रहे थे, भाई साहब हमारा रूम नंबर चिल्ला रहा था कि भाई बचा ले बचा ले, यहाँ पे एक और बंदा बचा हुआ है। तो गाइस हमने ये भी फेल दिया इनको। भाई साहब को हमारे फुटप्रिंट भी नहीं आ रहे, ना ही इनको ये पता चल रहा कि भाई पीछे से कोई आ रहा है जो फेल देगा इनको। अब यहाँ पे हमने वाइफ को अपनी बिठा लिया है गाइस बग्गी पे, और हम जा रहे हैं यशनाया की ओर, क्योंकि तो यशनाया में भाई साहब हमें वो फिंगर क्रेट लेनी है। समझ रहे हो, और यहाँ पे हमें बोट दादा मिल जाते हैं, फिर हम इन्हें कुचल देते हैं। अब गाइस हम वापस से इनको पूरा कुचलने के लिए जा रहे होते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव पे। तो यहाँ पे भाई साहब हम खड़े थे, हेल्थ वेल्थ लगा के बूस्ट वूस्ट कर रहे थे कि हमारे वाइफ पे कोई पीछे से प्रहार कर रहा था। अब ये दिख गया भाई साहब, अब हमने इनको टैप टैप करके चार पांच गोली में इस बंदे को पूरा ख़त्म कर दिया। समझ रहे हो, पांच गोली बहुत हैं भाई, जब हमें क्रोध आ जाता है तो पांच गोली बहुत है एक सिंगल सिंगल। अब यहाँ से हम गुजर रहे थे कि पीछे फायर भी नहीं सोचते हो यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो हुआ वो हम नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। अब गाइस यहाँ पे हम इस बोट को मारने की प्रयास करें तो फिर हमें पता चलता है ये बोट तो है ही नहीं, तो असली बंदा है भाई। ऐसे ही मुजरा कर रहा था वहाँ में उछलता हुआ कि बस हम थोड़ा डर गए, अगर इसने हमें देख लिया होता तो ये हमें पेल देता। हम तो बोट समझ के इस पर मार रहे थे तीर कमान। अब कहीं यहाँ से हम जा रहे होते हैं कि वहाँ से हमें यहाँ पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। लियो लियो भैया निकलो लो अभी। ये भाई थोड़े स्टार्टर वाले बंदे थे, ठीक है ये नूब नहीं कहेंगे हम इनको, स्टार्टर वाले थे। कहीं यहाँ पे हम आ जाते हैं गाड़ी ठोक के, और इतने भाई साहब पीछे से बंदे मारने लगते, कोई स्क्वाड आ जाती सबको ख़त्म कर दी। अब हमें कोई मार ही नहीं सकता है, एक गोली भी नहीं छुआ सकता है हमको गाइज। अब रुक जाओ सबको, तुम रिवाइव दो, कोई नहीं पेल पाएगा तुम्हें, हम हैं यहाँ पे, डरो मत। नेड वेड आ रहा भाई, गोली नहीं लग रही तो नेड कर रहे हैं बताओ। हमने बोल दिया तो तुम भी जाओ पीछे वाला, कोई पेल देंगे पेल नहीं पेल, कोई नहीं गाइज, कभी कभी हो जाता है। अब यहाँ पे हम अपने कार्तिक जी को दे रहे थे भाई फूल, कि पीछे से बोट दादा आ जाते हैं और लो भाई साहब ऐसे हेड शॉट मार देते हैं हम गाइज, और अपना हेड शॉट्स बढ़ा लेते हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे अब चलते हैं भाई साहब अगले पड़ाव पे। अगले दृश्य में हम गाइज यहाँ पे जा रहे थे,
आराम से जाते, पता नहीं यहाँ के बंदे क्या कर रहे थे भाई साहब। ये देखो मुजरा कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता है कि इनकी स्क्वाड पे रश हो चुका है, कि यहाँ मुजरा कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं टेडी बियर को, कैथी। अब देखते हैं भाई साहब ऊपर से हमारे बंदों को नॉक वॉक कर देता है। ये कूद गए, देखो अगर तुम ऊपर रहते तो तुम शायद हमें मार सकते थे, पर तुम्हें जल्द मची हुई है कि भाई साहब नौक बंदों को ख़त्म करके पेल के उनको ली लो, समझ रहे हो, किल ले लो। किल के भूखे होते हैं गाय जैसे बंदी। अब यहाँ पे हम ताका झाकी कर रहे थे कि जोन की साइड से हमारे पीछे पीछे कोई बंदा आया है, ले इसको पेल देते हैं, और ये लॉबी नहीं जा पाता है गाय, ये यहीं रह जाता है क्योंकि ये नौक होकर दोबारा रिवाइव होता है।